अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दुबई वर्ल्ड 91। तो दोस्तों, मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और कंपनी मुझे पासपोर्ट नहीं दे रही है, मैं घर जाना चाहता हूँ। बट बहुत सारे भाइयों ने मुझे कमेंट किया, मैसेज किया, मेरी माँ के लिए दुआएँ की, और आज ऊपर वाले का करम है, अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ कि अभी मेरी माँ बहुत ठीक हो गई है। बट मालिक का यही करम है कि मेरी माँ को जल्द से जल्द शिफा दे दे, पूरी तरीके से वो ठीक हो जाए। बहुत सारे भाइयों ने मुझे कमेंट किया, मैसेज किया, मेरी माँ के लिए दिल से दुआएं की, और मैं उन लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी कंपनी से जब मेरी बात हुई थी तो मैंने उनको बोल दिया था कि मुझे कैंसिल कर दीजिए, तो उन्होंने भी लास्ट में मुझे बोला ठीक है आप चले जाइए। बट मेरी माँ जब ठीक हो गई थी तो मैंने भी अपना डिसीज़न जो है वो चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने भी सोचा कि मैं अपनी माँ का अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा जिससे कि मेरी माँ पूरी तरीके से ठीक हो जाए। और अभी अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआएं हैं, मेरी माँ एकदम ठीक हो गई हैं। बट अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, बस मैं और यही दुआ करूंगा ऊपर वाले से, मालिक का, कि पूरी तरीके से मेरी माँ एकदम ठीक हो जाए, शिफा दे ऊपर वाला। और मैं ये आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि दोस्तों, कभी भी आप लोग अपने माँ बाप की हमेशा इज़्ज़त करिए, उनके साथ कभी भी ऊँची आवाज़ में उनसे डिसरिस्पेक्ट कभी भी मत बात करिए। क्योंकि मुझे अब मेरी माँ की इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, हालत ख़राब हो गई थी, तो मुझे काफ़ी एहसास हुआ कि जिन लोगों के ऊपर, जिन लोगों के माँ बाप नहीं होते हैं, उन औलादों के ऊपर क्या बीतती है। तो मुझे काफ़ी एहसास हुआ, और तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि हमेशा आप, जब तक कि आपके माँ बाप का साया आप लोग के ऊपर बना है, तो आप लोग अपने माँ बाप को हमेशा प्यार दीजिए, उनसे प्यार से बात करिए, कभी भी उनसे डिसरिस्पेक्ट से ऊंची आवाज़ में बात मत करिए। क्योंकि एक औलाद, एक माँ बाप के जैसा प्यार औलाद को कोई भी नहीं दे सकता। तो यही मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, और आप लोग का दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग ने मेरी माँ के लिए इतनी दुआएँ की, इतना प्यार बांटा। तो दोस्तों, अभी मैं काफ़ी दिन से वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, तो अभी मैं भी थोड़ा खुश हूँ, मेरी माँ की तबीयत भी ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको अपडेट मेरी मिलती रहेंगी हर वीडियो का, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका अपडेट आप लोग को मिलता रहूँगा। और मैं आप लोग का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जो आप लोगों ने मेरी माँ के लिए इतनी दुआएँ की, शुक्रिया।